हे सो हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो का डिटेल जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना आज का ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि 5 नवंबर 2018 को भारत की किस परमाणु पनडुब्बी ने अपना पहला गश्ती अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 5 नवंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे लिए याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है INS अरिहंत। ठीक है, 5 नवंबर 2018 को INS अरिहंत ने अपना जो पहला गश्ती अभियान था उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो INS अरिहंत है ये एक परमाणु पनडुब्बी है, और ये चीज़ याद रखिएगा, 26 जुलाई 2009 को इसको जल में उतारा गया था। ठीक है, तो इसका जो पहला अभियान था वो अब पूरा हो चुका है। और जब भी कोई नौसेना में या फिर सेना में किसी चीज़ को शामिल किया जाता है तो उससे पहले उसको जो है एक अभियान पे या फिर एक ट्रायल उस पर किया जाता है। ठीक है, जब वो सफल होता है तभी जो है उसको पूरी तरीके से तैयार माना जाता है। तो उसी तरीके से ये जो अभियान था ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए INS अरिहंत के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आज की वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि दीपावली भी है, तो आप लोग थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करिए। हम लोग फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ओके, 49वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा में। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो 49वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। 20 तारीख से जो है 28 नवंबर के बीच में ये होगा। ठीक है, 2018। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ये इसका आयोजन होगा। तो इसमें जो है विभिन्न देशों के, मतलब टोटल जो है 68 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, और 68 देशों के 212 जो फिल्में हैं, 68 देशों के विभिन्न जो कंट्रीज़ हैं उनके जो है 212 फिल्में इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, तो जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है तो वहाँ पर जो है विभिन्न देशों के, या फिर कह सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो गया तो फिर देश के जो है विभिन्न जो पिक्चरें हैं वो दिखाई जाती हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है 68 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, और 68 देशों के 212 जो फिल्में हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। ओके, 20 तारीख से 28 तारीख तक नवंबर में, यानी कि इसी मंथ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है गाफूर रखीमोव। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी हमारे लिए। तो जो ये गाफूर रखीमोव हैं इनको चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष, और बेसिकली जब इनको अध्यक्ष चुना गया है तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है इसने क्या किया है, इसने बोला है कि हम जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता होती है उसको 2020 जो टोक्यो में ओलंपिक होंगे उससे हटा देंगे। तो इनका मतलब इसी से ये कहना है कि जो यहाँ पर गाफूर हैं इनको जो है इनका ये विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष इन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो है थोड़ा सा आपराधिक मामले भी इनके खिलाफ़ हैं, तो इसी वजह से जो है इनको थोड़ा सा मतलब पीछे किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये चुनाव जीत गए हैं तो इन्हीं को जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर एक धमकी दे रखी है, कह सकते हैं आप, ओलंपिक संघ ने, कि हम 2020 में जो है मुक्केबाजी प्रतियोगिता को, जो कि टोक्यो में होने वाले हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो होने टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है आपका 2020 में, ठीक है, तो इसमें से जो है मुक्केबाजी प्रतियोगिता को बाहर कर देंगे, ये इनका कहना है। तो याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इस वजह से थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से मुख्यालय याद रखिएगा, लॉसने स्विट्जरलैंड में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय पड़ता है वो पड़ता है लॉसने में। ठीक है, जो कि है स्विट्जरलैंड में, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और मुद्रा है यहाँ की स्विस फ्रैंक। तो ये भी याद रखिएगा, मुद्रा याद रखिएगा, राजधानी याद रखिएगा,
और जो मुख्यालय है ये आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन फोर्थ ले रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयरोस्पेस तथा रक्षा निर्माण नीति 2019 लॉन्च की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण नीति 2019 लॉन्च की है, कहीं कहीं पर 2018 भी लिखा गया है, तो इस चीज़ देखिएगा 2019 लॉन्च की है। उसका जो देश है वो है राज्य में एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण के जरिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, जिससे कि यहाँ पर व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसीलिए जो है इसका यहाँ पर मेन जो उद्देश्य है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल, तो याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी, ये तीनों के तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड ने जो है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक लड़े थे इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है, उन सैनिकों की याद में यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और बेसिकली जो ये अनावरण किया गया है इस प्रतिमा का, वो जो है गुरु नानक गुरुद्वारा है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम है लिखा हुआ है मैंने स्मैथबिक, इसके द्वारा जो है इसको यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और जो ये स्मारक है जो आप देख पा रहे होंगे, इसको नाम दिया गया है युद्ध के महान शेर या फिर लायंस ऑफ द ग्रेट वॉर, ठीक है। तो इसका जो है नाम यही रखा गया है इस मूर्ति का, ठीक है, इस प्रतिमा का। तो इसे याद रखिएगा आप, अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि युद्ध के महान शेर नामक प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया, तो भी इंग्लैंड होगा। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो भी इंग्लैंड होगा। दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, याद रखना है हमको। इसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 नवंबर 2018 को विनोद अग्रवाल का निधन हो गया, हमको बताना है कि वे क्या थे, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित थे या क्या थे। तो याद रखिए कि विनोद अग्रवाल जो है वो गायक थे, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये एक प्रसिद्ध भजन गायक थे और शायद आप में से काफ़ी लोग इनका नाम भी जानते होंगे जो लोग भजन सुनते हैं। कृष्ण भक्ति से ये जुड़े हुए थे, तो कृष्ण जो भगवान कृष्ण हैं उन्हीं से संबंधित, राधा कृष्ण से संबंधित ये जो है भजन गाया करते थे। जो ये विनोद अग्रवाल थे ये कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में 1978 से 1992 तक प्रोफेसर भी रह चुके थे। और बेसिकली इनका जो परिवार था वो एक कारोबारी परिवार था, तो इन्होंने जो है कारोबार छोड़ छाड़ के ये भजन गायक बन गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ आपको पता होना चाहिए, इनके कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रति इनकी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा थी। तो याद रखिएगा 6 नवंबर को इनका निधन हो गया है। देन इसके बाद सातवां क्वेश्चन हमारे पास कि हाल ही में कास्परस्की लैब द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वेब सर्फिंग के खतरे के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, ये चीज़ हमें यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12वां, ठीक है। कास्परस्की जो लैब है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये चीज़ इसमें कहा गया है कि जो वेब सर्फिंग के जो खतरे हैं उनके मामले में अगर देखा जाए तो भारत का 12वां स्थान है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बात करें जुलाई से सितंबर यानी कि 3 महीने की अगर बात करें तो इसमें भारत में जितने भी लोग इंटरनेट उपयोग करते हैं, अगर मान लीजिए 100 लोग उपयोग करते हैं तो उसमें से 8% यानी कि 8 लोग ऐसे हैं जिनको वेब जनित खतरों से प्रभावित किसी न किसी तरीके से मतलब उनको उनके साथ जो है कह सकते हैं, अगर सीधे सीधे बोलें कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ इसी तरीके की कोई घटना हो रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या फिर उनके कंप्यूटर में वायरस ने हमला कर दिया है, उनकी फाइलें करप्ट हो गई हैं, तो इस तरीके से इस रिपोर्ट में ये चीज़ कही गई है। 8% जो उपयोगकर्ता हैं जुलाई से सितंबर माह के बीच में भारत में, उनमें से 8% उपयोगकर्ता जो है वेब जनित खतरों से प्रभावित हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 12वां स्थान है भारत का पूरे विश्व में, ये आपको पता होना चाहिए वेब सर्फिंग के खतरों के मामले में। देन इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि 5 नवंबर 2018 को भारत और किस देश के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग जो है मजबूत करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसका जो उद्देश्य है साफ साफ पता चल रहा होगा, इसका उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। तो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के लिए जो है नीतियाँ इसमें आसान बनाई जाती हैं, ताकि जो पर्यटन आने यहाँ से इंडिया से अगर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, सॉरी दक्षिण कोरिया जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं। इसी तरीके से अगर दक्षिण कोरिया के पर्यटक भारत आते हैं तो उनको भी जो है आसानी से यहाँ पर वीज़ा वगैरह मिल जाता है और सुविधाएँ भी काफ़ी बेहतरीन होती हैं, सरकार की तरफ से उनको थोड़ा सा रियायतें दी जाती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब को पता होना चाहिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो है वो है केजे अल्फोंस, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस हैं भारत की, तो इस हिसाब को पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पॉइंट है हमारा कि हाल ही में अमेरिका ने भारत समेत कुल कितने देशों को ईरान से तेल आयात करने की छूट प्रदान कर दी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8, ठीक है। अमेरिका ने भारत के साथ साथ जो है भारत को मिला के कुल 8 देशों को जो ईरान पे जो है प्रतिबंध लगाए गए थे, और ये कहा था अमेरिका ने कि सभी देशों से कि ईरान से कोई भी देश जो है तेल नहीं ले सकता, लेकिन अब जो है 8 देशों को छूट दी गई है और कहा गया है कि ये 8 देश तेल ले सकते हैं ईरान से। और उन 8 देशों में कौन कौन से, एक तो भारत हो गया हमारा, इसके अलावा चीन, जापान, इटली, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, ताइवान और टर्की, ठीक है। तो इतने देशों को जो है छूट दी गई है। छूट देने का मेन कारण ये है कि इन देशों का अधिकतर जो तेल आता है, ठीक है, वो ईरान से ही आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, और इसी वजह से जो है इनको छूट दी गई है ताकि जो और देश हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर ना बन पाए, ठीक है। तो अभी जो है टेम्परेरी छूट दी गई है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ये का ये बेसिकली ये चीज़ कहना है कि जो ईरान है वो परमाणु जो प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है, उन प्रोजेक्ट को ये बंद कर दे, तो ईरान मान नहीं रहा है, इसी वजह से जो है इस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, छोटी सी बात थी जो आपको याद रखनी होगी। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है यहाँ की ईरानी रियाल, और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मुद्रा, राजधानी और राष्ट्रपति। देन इसके बाद हमारे पास 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अमेरिकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में सौरभ नेत्रवलकर को जो है जो अमेरिका की जो टीम है राष्ट्रीय टीम उसका कप्तान नियुक्त किया गया है। भारतीय खिलाड़ी हैं ये अंडर 19 के, और ये मुंबई की तरफ से खेल चुके हैं, ये चीज़ याद रखना चाहिए आपको। 2010 में जब अंडर 19 विश्व कप हुआ था तब जो है ये भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, ठीक है। 2015 में जब इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था उसके बाद ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, और वहीं पर जो है धीरे धीरे इनका प्रैक्टिस भी करते रहे क्रिकेट वगैरह का। तो इनको जो है फाइनली सिलेक्ट किया गया है अमेरिकी जो राष्ट्रीय टीम है क्रिकेट की, उसमें जो है इनको कप्तान के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद देख लीजिए, मैंने कल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन थे और आंसर भी मैक्सिमम लोगों ने दिए ही थे। पहला क्वेश्चन था कि यमन की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है याद रखिएगा, यमन की मुद्रा है रियाल, यमनी रियाल जो है यमन की मुद्रा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने सॉवरेन ब्लू बॉन्ड की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से समझाया था आपको। इसका सही आंसर है सेसेल्स, ठीक है। सेसेल्स ने सॉवरेन ब्लू बॉन्ड की शुरुआत की है, ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है ये। इसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि बीडी मिश्रा किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा राज्यपाल एक आम चीज़ है, यानी कि आपको ये याद होना ही चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक चीज़ें हैं ये। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके लिए आज से कुछ आसान प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके लिए है कि वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग बताइए मुझे कितने खिलाड़ी होते हैं, 6, 7 या 8 या फिर 5, बताइए। इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फल को फलों की रानी कहा जाता है। ये आपको बताना है कि फलों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स का आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जीके के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका आंसर आता होगा। तो बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाई क्योंकि शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से निपटा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।